हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग एट होम एट दिस पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 1। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एंड 60 टर्न्स इन पिवोटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड। ओके, द कॉइल इज इन ए रेडिकल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस। व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द कॉइल इफ ए करंट ऑफ 0.20 मिली एम्पियर प्रोड्यूस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज एन इफेक्टिव एरिया 5×10⁻² मीटर स्क्वायर। इट इज सस्पेंडेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2×10⁻² वेवर पर मीटर स्क्वायर। इफ द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन फाइबर इज 4×10⁻⁹ न्यूटन मीटर प्रति डिग्री, फाइंड इट्स करंट सेंसिटिविटी इन डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर। इसमें निकालना है डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर। ओके, हम क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन है ये, हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, अब इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हमें निकालना है क्या, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, आप करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला जानते हैं, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, उस करंट सेंसिटिविटी को हम IS से प्रिंट करते हैं। IS इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन I। ध्यान से देखेंगे, अल्फा अपॉन I, और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये अल्फा है क्या, अल्फा क्या है बता सकते हैं आप? एंगुलर डिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N I हम लोगों ने, ठीक है, एन आई ए बी अपॉन आई। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी को हम कैपिटल आई से प्रिंट करते हैं, आई एस से। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है, और स्मॉल आई क्या है, करंट है। ये आई, ठीक है, अल्फा का फॉर्मूला था एन आई ए बी अपॉन के। ध्यान से देखेंगे, अल्फा हमने प्रीवियस सेशन में बताया था, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी बाई के। ये आई और ये आई कट जाता है, तो आएगा क्या हमारा, एन ए बी अपॉन के। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ए क्या है, एरिया, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और के क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसे पहले नोट कर लें आप, पहले इतना। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हम नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफेक्टिव एरिया, एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, एरिया दिया है हमारा 5×10⁻² मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है हमारा, बी कितना दिया है, 2×10⁻² वेवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और टॉर्शनल कांस्टेंट कितना दिया है, के की वैल्यू दिया है हमारा कितना, 4×10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति डिग्री। ठीक है, प्रति डिग्री, आप नोट कर लीजिए। अब ये सारे वैल्यू इस में, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम मिटा देते हैं। ठीक है, स्पेस मिल जाएगा हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमने मिटा दिया क्योंकि हमने सारे फैक्टर्स को हम नोट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए आप, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें निकालना था क्या था हमारा, हमें क्या निकालना था, करंट सेंसिटिविटी निकालना था। ये हो गया आई एस इक्वल टू एन, एन कितना दिया था क्वेश्चन में, एन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो एन के जगह क्या रखेंगे, 1, नंबर ऑफ टर्न 1। ठीक है, ए एरिया कितना दिया हुआ है हमारा, 5×10⁻²। ठीक है,
एरिया हो गया, और बी कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻²। अपॉन के की वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻¹। पहले इतना आप नोट कर लें। हो गया, इसे नोट कर लें आप लोग पहले इतना। हो गया, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखिए यहां से 5 × 10 कितना हो गया, 5 × 10 ये हो गया 10, और × 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ अपॉन 4, और ये 10⁻⁹ ऊपर चला गया, 10⁻⁹। इसे डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁹ में से 4 गया 5। इसे लिख सकते हैं क्या, 0.25 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। ये पॉइंट एक रिमूव यहां पे रिप्लेस करेगा ना, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, डिग्री प्रति एम्पियर। इसे नोट कर लें। हो गया, चलिए देखें अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना था, डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना था। किसमें कन्वर्ट करना था, डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर में आंसर लिखना था हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। अब फॉर्मूला ही जानते हैं, 1 µA = 10⁻⁶ A। ओके, तो 10⁻⁶ A = 1 µA, तो 1 A वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, 10⁻⁶ µA। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 10⁻⁶ से इसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁶ अपॉन 10⁻⁶ डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर। ये 10⁻⁶ इससे कट जाएगा, आएगा क्या, 0.25, ठीक है, डिग्री प्रति माइक्रो एम्पियर। नोट कर लें, दिस इज आंसर। इसे नोट कर लें आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रिमूव कर लें से, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर वन, हमने क्वेश्चन नीचे से सॉल्व करना शुरू किया था। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ एरिया 5 × 10⁻⁴ m². क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, एरिया दिया है कितना हमारा, 5 × 10⁻⁴ m². नंबर ऑफ टर्न्स जो दिया है कितना, 60। इट पिवोटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड, दिस स्क्वायर इज इन ए रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 90 गॉस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 90 गॉस। इस गॉस को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, टेस्ला में, ये हो जाएगा हमारा 1 गॉस इक्वल टू था 10⁻⁴ टेस्ला, ये हो जाएगा हमारा क्या, 90 × 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, व्हाट इज द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द कॉइल इफ ए करंट ऑफ, करंट कितना दिया है, आई इक्वल टू दिया है हमारा कितना, 0.20 μA, ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.20 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है,
और एंगुलर डिफ्लेक्शन मतलब अल्फा दिया है हमारा क्या 18 डिग्री। नोट कर लें आप इससे पहले। ठीक है, और निकालना क्या हमें टॉर्सनल कांस्टेंट के इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप इसे नोट कर ले पहले, फिर हम लेके चलते हैं। ठीक है, के का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई बी ए अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो के का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के बराबर एन आई बी ए अपॉन अल्फा। सारे वैल्यू इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखेंगे एन एन कितना दिया 60, आई आई दिया कितना 0.20 इंटू 10^-3 हो गया। चलिए बी बी कितना दिया है 90 इंटू 10^-4। ठीक है, स्पेस कम हो रहा है ना, इससे हम फिर से नोट कर लेते रहे यहां पे। ठीक है, इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, के बराबर होता है एन आई बी ए अपॉन अल्फा। एन दिया है 60, ठीक है 60, आई दिया है 0.20 इंटू 10^-3 हो गया, बी दिया है 90 इंटू 10^-4 और एरिया दिया है 5 इंटू 10^-4। ठीक है, अपॉन के की वैल्यू दिया है कितना हमारा, सॉरी अल्फा दिया है 18 डिग्री हो गया। अब इसे सॉल्व करना हमें, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, 65 जा इसे पहले काट दो, 18 5 90 हो गया, 65 जा कितना हो गया 65 जा 300 हो गया, और 25 जा 100, दो फिगर बाद पॉइंट लग गया, हो गया 10^-3, 10^-4, 10^-4, 10^-11 हो गया, अपॉन क्या, अपॉन में कुछ बचा नहीं बचा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बचा, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या 3, ठीक है, इंटू 10^2 इंटू 10^-11। इतना नोट कर लें आप पहले, हो गया। चल अभी से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाए हमारा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे ये -11 और ये 2 क्या हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 3 इंटू 10^-9 क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति डिग्री, इसकी यूनिट होगी। नोट कर लें आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, सॉरी बार बार 2 हम कह रहे हैं क्योंकि हम लोग ने नीचे से करना शुरू किया था क्वेश्चन, तो ये हो गया न्यूटन मीटर प्रति डिग्री। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, आपका जो बुक है बुक में अल्फा को कहीं कहीं फाइव से प्रिंट किया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एंगुलर डिफ्लेक्शन को हम फाइव से भी प्रिंट करते हैं और अल्फा से, हम जो भी डेरिवेशन लिए उसमें अल्फा मान के चले हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।